बुरहानपुर में लगातार 10 दिन के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर के नवल सिंह सकर कारखाना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर तहसील कार्यालय पर विरोध स्वरूप हड़ताल पर बैठे किसान उज्जवल पाटिल और शंभु शंकर को आखिर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने देर रात अंधेरे में जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई। जब सांसद ने पूछा कि आप भी किसान नेता हैं, इस आंदोलन में उज्जवल पाटिल अकेले लगे हैं, अन्य किसान नहीं आए, इस संबंध में आपका क्या कहना है, तो सांसद के अनुसार किसी भी मुद्दे को एक आदमी ही शुरू करता है। गांधी जी भी अकेले ही चले थे, धीरे धीरे पूरा देश तो उनके साथ चला। विडंबना ये है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुप बैठी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अपनी ही सरकार के कार्यकाल में 5 साल पहले उजागर हुए इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी गांधी से जोड़कर पल्ला झाड़ना चाहते हैं, जबकि वे किसान नेता होते हुए पहले से उजागर इस मुद्दे को हल कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह किसान कारखाने के खिलाफ हाईकोर्ट तक लड़कर कारखाना संचालकों पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। पूर्व डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने स्वर्गवास के बाद आज कारखाना 25 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। इधर मजबूरी में ही सही, पर 10 दिन बाद हड़ताल कर्मियों को अंधेरे में पहुंचकर सांसद द्वारा जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। खैर, सांसद ने इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच करवाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि सांसद के आश्वासन दिए जाने के कितने दिन बाद कारखाने पर उच्च स्तरीय जांच बैठती है। अभी तो कारखाना संचालक भ्रष्टाचार में मस्त है। भाजपा की शिवराज सरकार 2 साल के निर्वाचन अवधि निकल जाने के बाद भी प्रशासक नहीं बिठा पाई है। नवागत स्थानीय कलेक्टर भाव्या मित्तल ने भी हड़ताल कर्मियों से दस्तावेज मांगे हैं। ऐसा है कि कोई भी मुद्दे को उठाने के लिए एक व्यक्ति को शुरुआत करना पड़ती है। आप सोचो कि 150 लोग इकट्ठा करके समस्या का समाधान करेंगे तो संभव नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति चलता है। आज देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी जी अकेले चले, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे सारा पूरा देश चला कि नहीं चला। तो ऐसा हमारे किसान नेता उज्जवल पाटिल जी ने इस काम का बीड़ा उठाया है। तो धीरे धीरे आज भले आपको 5 किसान यहाँ पर दिख रहे, लेकिन ये 500, 5000 और 50,000 होने में समय नहीं लगेगा, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा किसान थोड़ा लेट जागता है अभी। आपको नहीं लगता इस मामले के अंदर विपक्ष क्यों चुप बैठा हुआ है? नहीं, विपक्ष चुप बैठा है ऐसा भी नहीं कह सकते। अब अपने अपने कुछ मजबूरियां होगी, अपने अपने कुछ परेशानियां होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन हम किसान के साथ में हैं। किसानों को न्याय मिले और किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। कोऑपरेटिव सेक्टर की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है, जिला कोऑपरेटिव से लेके फेडरेशन और फेडरेशन से मंडी तक 2.5 साल से 3 साल होने को आ गए, अभी तक चुनाव नहीं हुए। प्रशासक अपना पद, यहाँ प्रशासक अपना प्रशासक क्यों नहीं बैठा रहे? प्रशासन अपना प्रशासक क्यों नहीं बैठा रहे? देखिए, 1.5 साल जब कांग्रेस सरकार रही, तो 1.5 साल के कांग्रेस की सरकार ने जो सोसाइटियां थी कॉपरेटिव सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया। जो किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का बोला था भाई, जब किसानों को कर्जा माफ करना है तो किसान वो बैंक के खाते में, सोसाइटी खाते में पैसा तो आप डालो। और ये कहा गया कि आपकी जो अंश पूंजी है उसी में से आपको किसान का कर्जा माफ करना है, तो इससे इसकी वजह से सारा कॉपरेटिव मूवमेंट ठप हो गया, और उसके कारण जो है कि सोसाइटियों की और कॉपरेटिव सेक्टर की बहुत हालत खराब हुई। लेकिन उसके बाद में फिर से हमारी शिवराज जी की सरकार बनी है, और शिवराज जी की सरकार बनते से कोरोना की महामारी बीमारी ने भी जो पैर पसारे, उसकी वजह से पूरे देश के अंदर अस्त व्यस्तता को संभालने के लिए हमारे शासन प्रशासन उस ओर ध्यान गया। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी ध्यान दिया जा रहा है, और कोऑपरेटिव मूवमेंट को व्यवस्थित ढंग से उसकी चालना अच्छी हो इस दिशा में, इसीलिए पहली बार देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर का मंत्री अलग बनाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देते हुए, जितना अधिक से अधिक कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देंगे उससे रोजगार के अवसर भी बनेंगे और किसानों के हित में भी अच्छे निर्णय होंगे, पूरी आशा और उम्मीद है। आपको नहीं लगता कि संचालक मंडल और डायरेक्टरों पे ही किसान आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तो क्या आपकी ओर से CBI जांच की मांग कार्यकारी के पक्ष कर सकते हैं? बिल्कुल, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी से भी
आग्रह करेंगे कि यहाँ पर जो अनियमितता है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद।